राज्य की स्थापना के बाद से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ का चुनाव दो ध्रुवों के बीच बंट रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच केंद्रित रहने वाली इस लड़ाई में तीसरी ताकतों ने सेंध लगाने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन खास कामयाबी नहीं मिली। वो कभी इतनी सीटें नहीं पा सकी कि 90 सीटों की विधानसभा में किंग मेकर बन सके, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पार्टियां खेल बिगाड़ने की हैसियत नहीं रखती। छोटी छोटी मार्जिन से होने वाली चुनावी जीत हार में इन पार्टियों को मिला वोट कई बार निर्णायक साबित होता रहा है। अब छत्तीसगढ़ फिर से चुनावों के समर में है। बस्तर संभाग की 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, बची 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट पड़ने हैं। इस बार भी अमित जोगी की जनता कांग्रेस, मायावती की बीएसपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलावा कई अन्य पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं। अजीत जोगी के द्वारा बनाई गई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इस बार 84 सीटों पर लड़ रही है। खुद अमित जोगी पाटन सीट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। 2018 के चुनाव में जोगी कांग्रेस, बीएसपी और सीपीआई के गठबंधन को 11% वोट मिले थे। 5 सीटें अजीत जोगी की पार्टी को और 2 सीटें बीएसपी को मिली थी। इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। अजीत जोगी नहीं रहे, बीएसपी इस बार जोगी की पार्टी के साथ नहीं है। जनता कांग्रेस के अधिकतर उम्मीदवार कांग्रेस या बीजेपी के बागी हैं। वो कुछ सीटों पर बड़ी पार्टियों को असहज कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा असर डाल पाएंगे इसकी संभावना कम है। हालांकि अमित जोगी ऐसा नहीं मानते। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़कर वो अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में सफल होंगे। बाद आपने पाटन चुना, व्हाट इज द रीजन? आई कुड हैव कंटेस्टेड फ्रॉम एनी सेफ सीट, आई कुड हैव इवन कंटेस्टेड फ्रॉम 2 सीट्स, बट आई एम डेलिबरेटली कंटेस्टिंग ओनली एंड ओनली फ्रॉम पाटन बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू टेक ऑन द चीफ मिनिस्टर। BJP and the Congress, they are hand in glove. When Congress is in power, no action is taken against BJP leaders. Yes, sir. When BJP is in power, no action is taken against Congress leaders. When they look at Chhattisgarh, they see only commission. Amit Jogi sees a mission and a vision. कांशीराम के जमाने से ही राज्य में जड़े जमाने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार फिर से छत्तीसगढ़ में ताल ठोक रही है। बीते चुनाव में अजीत जोगी की पार्टी से गठबंधन करने वाली बीएसपी इन चुनावों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ अलायंस में है। बीएसपी 58 तो जीजीपी 32 सीटों पर लड़ रही है। बीएसपी का प्रभाव हमेशा से ही बिलासपुर संभाग में रहा है। प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी रैलियों में समर्थकों से वोट देने की अपील कर रही है। उन्हें लगता है कि स्थानीय नेतृत्व नहीं होने के चलते उनका समर्थक वोट बैंक वोट देने के लिए बाहर ही नहीं निकलता। उनको जरूर जिताना है और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालना बहुत जरूरी है और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही आप लोगों का ये भी पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपकी अपने दोनों पार्टियों का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए। एक एक वोट पड़ना चाहिए, एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए। आम आदमी पार्टी दूसरी बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में ताल ठोक रही है। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने यहां पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया और 10 पॉइंट का घोषणा पत्र भी जारी किया, लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी की रफ्तार सुस्त दिख रही है। चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता बहुत सक्रिय नहीं है। केजरीवाल भी अभी तक सिर्फ एक बार ही चुनाव प्रचार के लिए आए। उन्होंने अपनी रैली में छत्तीसगढ़ की गरीबी और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ दिल्ली में अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की, लेकिन इसका कितना असर होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश के गरीब लोगों को अगर वो बीमार हो जाएं तो पूरा इलाज मुहैया नहीं होता। 75 साल देश किसी भी देश के इतिहास में कम नहीं होते, बहुत होते हैं। इन 75 साल में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या किया? इन दलों के अलावा कुछ और छोटी पार्टियां भी छत्तीसगढ़ के चुनावों में दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं।
बस्तर के भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में 22,000 वोट पाकर चर्चाओं में आने वाली हमर राज पार्टी भी एक ऐसी दावेदार है। इस पार्टी के प्रमुख अरविंद नेताम एक दर्जन से अधिक सीटों पर पार्टी के दबदबे का दावा करते रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से बनी जोहार छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने प्रदेश की 46 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। वो 44 बिंदुओं पर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी लॉन्च कर चुके हैं। ये पार्टियां एकाध सीटों पर नतीजों को प्रभाव कर सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद करना बेमानी होगा। चुनाव आज तक।